जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सटेंड सेक्शन कमांड इफेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, जो मैंने रैंडम फंक्शन से टाइप किया, ठीक है। हमने पिछले क्लास में सीखा था ना रैंडम फंक्शन, तो उसी से मैंने ये पैराग्राफ टाइप किया। तो अब मेरा कर्सर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर, यहाँ इंसर्शन पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ मेरा कर्सर है। सपोज नाउ प्रेस द F8 की, ठीक है। जैसे ही मैं F8 की प्रेस करूँगा, ओके, और डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, तो नथिंग विल बी इंसर्टेड, ठीक है। मेरा जो डेटा है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप एंकर, इसको बोलते हैं ड्रॉप एंकर, ठीक है। जब आप F8 की प्रेस करते हो तो आपका जो ड्रॉप एंकर जो है ना, जो एंकर जो होता है वो आपका ड्रॉप हो जाता है, मतलब डेटा जो आपका फिक्स हो जाता है। नथिंग विल बी इंसर्टेड, कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। ओनली यू कैन सेलेक्ट डेटा, ठीक है, और डिलीट डेटा, ठीक है। F8 की को प्रेस करते ही एक्सटेंड सेशन कमांड जो हेडिंग है ना, एक्सटेंड सेशन कमांड मोड जो है ऑन हो जाता है, और यू विल बी एबल टू ओनली सेलेक्ट डेटा, ठीक है, एंड नथिंग विल बी इंसर्टिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो आपका एंकर होता है वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये है एडवांटेज F8 की का, ठीक है। जब आप F8 की अप्लाई करोगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो F8 की से क्या होगा, आपका एंकर जो है ड्रॉप हो जाएगा, और आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप सिर्फ सेलेक्ट कर पाओगे और कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। कीबोर्ड का कुछ भी प्रेस करोगे, नथिंग विल बी इंसर्टेड, ठीक है। सिर्फ डेटा डिलीट हो सकता है, जैसे अगर मैं बैक स्पेस दबाऊँ, ठीक है, जैसे या फिर मैं डिलीट के दबाता हूँ, डिलीट की होता है ना कीबोर्ड में, डिलीट के दबाऊँगा डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। और डेटा डिलीट होते ही, ठीक है, इंसर्शन जो है चालू हो जाएगा। जैसे आप डिलीट के दबाओगे तो आपका जो एक्सटेंड सेशन कमांड मोड है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं F8 की दबाऊँगा, ठीक है, तो एक्सटेंड सेशन कमांड जो है ऑन हो गया है, ठीक है। नथिंग विल बी इंसर्टिंग, कुछ भी इंसर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं की ऐसे दबाऊंगा, ठीक है, माउस की, तो डेटा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। सपोज यहाँ से मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ, तो नथिंग विल बी इंसर्टेड, ठीक है। तो एक तो आपने डिलीट की दबाया, अगर आपको एक्सटेंड सेक्शन कमांड मोड से बाहर आना है तो आप डिलीट के दबाओगे, डेटा को डिलीट करोगे, ठीक है। अपने ब्लॉक जो भी टेक्स्ट और ब्लॉक जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा ना, उसको सेलेक्ट करने के बाद या तो आप उसे डिलीट करोगे, ठीक है, आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्सटेंड सेशन कमांड मोड को ऑफ करना है, मतलब उसको हटाना है अपने पेज से, ठीक है, तो आप क्या प्रेस करोगे, आप प्रेस करोगे एस्केप की, ठीक है, ESC, आप डेल, ठीक है, आप तो डेल की दबाओगे डिलीट करने वाला की, या बैक स्पेस की तो डिलीट डेटा, या तो आप इसके अलावा आप प्रेस करते हो तो प्रेस करोगे एस्केप की, ठीक है। एस्केप की जैसे दबाओगे, ठीक है, इंसर्शन विल बी स्टार्ट, ठीक है। तो एक्सटेंड सेशन कमांड को ऑफ करने के लिए आप प्रेस करोगे एस्केप की, ओके। इसके अलावा जब आप डेटा आपका, मतलब जैसे मैंने बताया कि F8 की दबाने से क्या होता है, जैसे ही आप F8 की प्रेस करोगे, ठीक है, तो इंसर्शन जो है ऑफ हो जाएगा। यू कैन ओनली एबल टू सेलेक्ट डेटा, ठीक है, आपका डेटा सिर्फ सेलेक्ट होगा, या तो आप डिलीट कर पाओगे या तो आप सेलेक्ट कर पाओगे। और अगर आपको एक्सटेंड सेक्शन कमांड मोड को ऑफ करना है तो आप प्रेस करोगे एस्केप, ठीक है। जैसे आप एस्केप की दबाओगे आप डेटा इंसर्ट कर पाओगे, ओके फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने F8 की अप्लाई किया तो मेरा डेटा जो है इंसर्ट नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि एक्सटेंड सेशन कमांड ऑन हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में मेरा एक्सटेंड सेशन कमांड ऑन हो गया, इसके बारे में पता कैसे चलेगा, उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है टास्क बार में राइट क्लिक करना है, यह सिलेक्शन मोड, ठीक है, सिलेक्शन मोड को क्लिक करना है। जैसे आप इसे चेक कर दोगे, यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड सेलेक्शन कमांड ऑन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप एस्केप की दबाओगे ये डिसेबल हो जाएगा, ओके। व्हेन यू प्रेस F8 की, यहाँ पर टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगा देख करके, एक्सटेंड सेलेक्शन मोड ऑन हो गया है, ठीक है, एस्केप की इट विल बी ऑफ, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज़ है F8 की का, ठीक है, एक पैराग्राफ टाइप करते हैं और INT रैंडम, ठीक है, एक पैराग्राफ और 6 लाइन्स, प्रेस इंटर, ठीक है, एक पैराग्राफ आ गया उसमें 6 लाइनें, ओके। सपोज मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ही आप F8 की को एक बार प्रेस करोगे, एक बार प्रेस करोगे तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, या तो सेलेक्ट होगा या तो आप डिलीट कर पाओगे, जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया, ओके। फिर से मैंने जैसे डिलीट करोगे तो एक्सटेंड सेक्शन मोड जो है ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर से मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया,
वन पैराग्राफ एंड 5 लाइन्स। ये आ गया पैराग्राफ, मेरा डिस्कशन पॉइंट स्टार्टिंग में है, ठीक है। जैसे ही आप F8 की जो है 2 बार प्रेस करोगे, 2 बार आपको 2 बार प्रेस करना है F8 की, 1 2, तो एक वर्ड सेट हो जाएगा। जैसे ही आप एक बार और प्रेस करोगे, 2 बार मैं प्रेस कर चुका हूँ, मैं एक बार और प्रेस करूँगा, 3री बार एक पूरी लाइन, एक पूरा सेंटेंस सेट हो जाएगा। 3 बार प्रेस करोगे, एक बार और प्रेस करेंगे, 4थी बार एक पूरा पैराग्राफ सेट हो जाएगा। और जैसे ही 5वीं बार आप क्लिक करोगे F8 की, पूरा डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा, ये ना पूरा डॉक्यूमेंट सेट हो गया। ओके, एंड हाउ टू रिमूव, और आपका एक्सटेंड सेशन मोड जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है टास्क बार में आ जाएगा एक्सटेंड सेशन कमांड, एक्सटेंड सेक्शन, ठीक है ना। करेंट सेक्शन विल बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द न्यू सेक्शन। ये आपका एक्सटेंड सेक्शन मोड जो है ऑन है। आपको इसे ऑफ करना है तो आपको प्रेस करना है एस्केप, एस्केप की प्रेस करोगे देन एक्सटेंड सेक्शन कमांड जो है ऑफ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट कर रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर इसके बारे में मतलब नॉलेज और गेन करना है तो जस्ट रीड इट, आप इसे पढ़ें शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें हमें नोट आउट नोटेड डाउन कर रखी हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो जनरली आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मेरे ब्लॉग पे, ठीक है। उस ब्लॉग का एड्रेस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस ब्लॉग को चेक करना एंड यू विल गेट एवरीथिंग, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपने कुछ गेन किया होगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।